मेरी है A200 ट्यून। सो हम प्रथम भाई से पूछते हैं उनकी का। हेलो नमस्ते राम राम सत श्री अकाल। मेरा नाम श्रवण मान है और ये मेरी पहली वीडियो है। होप आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सो गाइस हम जा रहे हैं गुड़गांव सेक्टर 75 जहां पर प्रथम शौकीन भाई ने हमें बुलाया है। कुछ फन करेंगे, कुछ कार रेसेस करेंगे और दिखाते हैं आपको आगे का कैसा रहेगा। हम गुड़गांव एंटर कर गए हैं और यहाँ से आई थिंक 30 मिनट्स का और रास्ता है प्रथम शौकीन भाई के यहाँ पर जहाँ जा रहे हैं हम। तो जितना जल्दी हो सके पहुँचते हैं। बीच में फंस गए थे काफी बुरे ट्रैफिक में, काफी बुरा। 45 मिनट्स लग गए मेरे को उस जगह से निकलने में और प्रथम भाई मेरा वेट कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सकता है मैं वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। गुड़गांव में रेड लाइट्स इतनी हैं क्या बताऊं। अब जाकर हम पहुंचे हैं प्रथम भाई के पास। अब उनको कॉल करते हैं, पूछते हैं कहां पर हैं और आगे का कैसे प्रोग्राम बनाना है। आए हम प्रथम शौकीन भाई के पास, उनकी कार से ड्रैग रेस कर रहे हैं जो कि उनकी कार है क्रेटा टर्बो जिसकी ड्रैग रेस है मेरी A200 CDI मर्सिडीज से। तो प्रथम भाई से पूछते हैं उनकी कार की स्पेसिफिकेशन, फिर मैं आपको अपनी कार की स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। भाई क्रेटा टर्बो है, 1.4 लीटर पेट्रोल टर्बो इंजन है, 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है 242 Nm टॉर्क के साथ और DCT इसमें ट्रांसमिशन आता है 7 स्पीड और अराउंड 1300 kg के आसपास इसका टॉप वेट है। जी भाई। और गाइज मेरी कार है A200 जो कि ट्यून्ड है GT ट्यूनर से, जो कि स्टॉक प्रोड्यूस करती थी 136 BHP और 320 Nm टॉर्क और अब ये प्रोड्यूस करती है 200 BHP एंड 450 Nm टॉर्क। सो देखते हैं गाइस आज ड्रैग रेस में क्या होगा। गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फर्स्ट ड्रैग रेस जो कि प्रथम भाई की गाड़ी से है। उस गाड़ी में भी तीन लोग बैठे हैं और हमारी कार में भी तीन लोग बैठे हैं। हम फर्स्ट रेस करेंगे AC ऑन करके। और तो गाइस करने जा रहे हैं भाई अपना पहला राउंड और मर्सिडीज में आके ऑन एसी ऑन है। ईश को भाई गाड़ी में बैठे तीन बंदे, मैं बैठा हूँ पीछे और जो ओनर है भाई वो गाड़ी चलाएंगे।
और अपने कार पीने वाले भाई भी आगे बैठे हैं। चले भाई स्टार्ट करें। करो भाई, पूछो हॉर्न पे करोगे या बोल के? स्पोर्ट्स मोड में है पहले या कंफर्ट मोड? कंफर्ट कंफर्ट भाई, गाड़ी अपनी कंफर्ट मोड में है। और पतन किस पे कर रहा है भाई? कंफर्ट मोड में है, एसी में है। एक दो तीन, ये भाई थोड़ा बाइक लिया और ये भाई अभी ये देख सकते हो इतना ये डिफरेंस है भाई, ये क्या बना लिया देखो भाई। भाई ये मैंने टू का जूम कर दिया फिर भी नहीं दिख रही। ले लो भाई ब्रेक ही ले लो भाई, उन्होंने ब्रेक ले लिया भाई। आगे थोड़ा रश हो जा रहा है। फर्स्ट राउंड में नॉर्मल मोड में और एसी ऑन के साथ क्रेटा टर्बो से मेरी कार जीत गई है भाई, फुल पैसा वसूल। और भाई ने जितना पैसा लगाया ना है वर्थ है वो बिल्कुल। और अब सेकंड राउंड के लिए जा रहे हैं, देखते हैं उसमें इस कार में ज्यादा लोग बैठेंगे और ड्राइवर चेंज करके बताएंगे यही जीतनी है। हां तो कैसा था फर्स्ट राउंड का एक्सपीरियंस? तो भाई फर्स्ट राउंड का एक्सपीरियंस ऐसे रहा कि मर्सिडीज मैंने चलाई थी पहले रेस से पहले, तो लैग तो इसमें भी था, जैसे एकदम मेरी निकल गई ना पहले तो मेरे को लगा भाई ने वो किया ही नहीं, वो आधा आरपीएम वगैरह उठा कुछ नहीं किया, सिंपल रेस। हां तो मैंने भी सिंपल ही रेस दी थी भाई, अच्छा। मेरे में भी तो लैग है ना, मेरे को लगा वो जीत गए लेकिन फिर ऐसे ही गई क्या आती नहीं आई एकदम से उठ गई भाई। एडवांटेज दे रहे हैं, अब चार लोग बैठ गए हैं, चार लोग बैठ गए और क्रेटा में भाई तीन ही लोग हैं। अब करके देखते क्या रहेगा। नॉर्मल कंफर्ट एसी ऑन, एसी ऑन, ट्रैक्शन ऑफ है। ट्रैक्शन नहीं, मेरा ट्रैक्शन भी ऑन है। ट्रैक्शन भी ऑन है। चलो ट्रैक्शन ऑफ कर लो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है अभी, कोई जरूरत नहीं। तो भाई सेकंड राउंड स्टार्ट कर रहे हैं, नॉर्मल मोड ई, एसी ऑन। अभी भाई क्लियर ही जीतेगी भाई, और स्टार्ट करते हैं गाइस। ओ तीन भाई, ये देखो ये निकली है। ओ भाई गंदी फेल रही है भाई, ये तो कर्रा फेल दिया भाई, तो भाई फेल गया भाई। इधर से निकलती है गाड़ी भाई, 2x का जूम है ये, 2x का ये प्रतीक। अगर मैं इससे ऊपर करूं आलो 3x का लो आ, फिर भी नहीं दिख रही है। 65 में जा रही है, 0.5 में तो गाड़ी नहीं दिख रही। फिर अब तीसरा राउंड और करोगे भाई? एक काम करो, बिल्कुल पीछे ले जाओ, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और स्पोर्ट्स मोड जो लगाने लगा दो। ठीक है, बता दो क्या लगा रहे हो? स्पोर्ट्स मोड, स्पोर्ट्स लगा रहे हो बिल्कुल लास्ट से शुरू। ट्रैक्शन ऑफ नहीं करूंगा, एसी ऑफ नहीं करूंगा। हां मैं हॉर्न मारूंगा, एक ही हॉर्न मारूंगा तेज और निकल जाऊंगा। ठीक है, ओके। कितनी पीछे जाएं? बिल्कुल जहां से रेस शुरू करते हैं भाई, ये थोड़ी अलग तरह की ड्रैग रेस कर रहे हैं आज हम जाएंगे बिल्कुल लास्ट में और प्रथम भाई हमारे यहां पे खड़े होंगे भाई, एक लंबा सा हॉर्न देंगे उसके बाद हमें स्टार्ट करनी है। गाइस हम क्रेटा को बेनिफिट देने जा रहे हैं, दो बार ही हमारी मर्सिडीज नॉर्मल मोड में भी उससे जीत गई है, तो इसलिए वो हमसे कुछ कारें आगे खड़ी है, वो पहले हमसे स्टार्ट करेंगे और हम एसी ऑन, इस बार हमने स्पोर्ट्स मोड ऑन कर दिया है, तो देखते हैं अब आगे का। भाई जैसा आपने देखा दो राउंड तो अपनी मर्सिडीज ही जीत गई है, तो इस बार हमने सोचा है क्या कहते हैं क्रेटा को अपनी प्रथम भाई की थोड़ा बेनिफिट दे देते हैं, उन्होंने इसलिए आगे खड़ी कर ली है। अब हम जो जो गैप आपको दिख रहा है ना वीडियो में, तो हम इसी गैप से स्टार्ट करेंगे, हमारी मर्सिडीज रहेगी पीछे और क्रेटा जो आपको दिख रही है वो वहीं से स्टार्ट होगी। तो देखते हैं भाई अब क्या फर्क आता है, थोड़ा गैप का फर्क हो गया नहीं, कौन सी जीतती है, तो बने रहिएगा वीडियो में भाई। वो आ ही सकते हो भाई, भाई बिना बताए भाई ने स्टार्ट कर दी, वो उन्होंने भगा ली थी, मैंने उसके काफी देर बाद भगाई है गाड़ी भाई, उसके बाद भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया भाई, बिल्कुल गैप खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म ही कर दिया। ले लो भाई ब्रेक, पर ये राउंड मानना नहीं जाएगा क्योंकि बिना इन्फॉर्म किए हो गया भाई ये वाला। नहीं नहीं चलो कोई नहीं, इसको हॉर्न नहीं सुना, पकड़ के दे देती है वो, तो हॉर्न नहीं सुना था, गाड़ी उठने के बाद ही उठाई है। ये ब्रेक से आ रहे, पता नहीं
वो हॉर्न दिया था, हॉर्न दिया था वो कल वॉश हुई थी, वॉश की वजह से अभी गर्म हो गया। हॉर्न दिया था भाई, मेरी सुना जो तेरी वो अपने आप ही चली गई। आप उठाना, हम दो गिन के आपसे यहाँ से उठाएंगे गाड़ी। अच्छा? दो गिनने के बाद मतलब तू यहीं से उठा गाड़ी को, हम तीन गिन के मतलब तेरी जो चल लेगी जो, हम तीन गिन के स्टार्ट करेंगे। नहीं, रोलिंग रेस करते हैं ना, 50 पे करने के बाद 20 की स्पीड तक नॉर्मल, फिर उसके बाद पंजा। मैं कह रहा हूँ रोलिंग रेस मैं 60 पे पकाऊंगा, 60 करके, और आप लोग भगाना 45 पे पका लूंगा पूरा पंजा देगी, तो आप लोग भगाना 60 पे 70। ठीक है। पकड़ लिया भाई। अरे रोलिंग रेस के बाद भी ले भाई, ये देख ही सकते आ रही। ये भाई मर्सिडीज की पावर ब्रेक ले। तो गाइस हम आए थे गुड़गांव सेक्टर 75 प्रथम शौकीन भाई के पास, उनकी कार के साथ ड्रैग रेस करने, जो कि हमारी ड्रैग रेस हुई। तीन ड्रैग रेसेस में मेरी कार जो कि जिसको बेनिफिट था पावर का, इंजन का, और हर एक चीज़ से एस्पेक्ट से आप सोच सकते हैं कि यही जीतेगी, और वही हुआ। पर भाई ने बहुत जान लगाई, और भाई से जानते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका। भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं वो भी रेस से पहले जैसे मैंने आपकी गाड़ी चलाई थी जी भाई, तो मतलब चला के अलग ही मज़ा आ रहा था। फिर हमने क्रेटा को एडवांटेज भी दी, उसमें ज़्यादा बंदे बिठा के उसको पीछे खड़ा करके, लेकिन अगर ये लंबा ट्रैक होता ना तो एक राउंड में जिसमें नहीं पिक कर पाई थी तो लंबा ट्रैक होता तो पिक करके और गैप भी बना देती। मुझसे ज़्यादा भाई मेरी गाड़ी पे कॉन्फिडेंट है। और आज मेरी कार की दूसरी ड्रैग रेस है वरना से, जो कि 1.6 डीजल ऑटोमेटिक है, और आप मेरी कार के बारे में जानते ही हैं। दोनों कारों का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हम एक फ़न के लिए ये ड्रैग रेस कर रहे हैं, और देखते हैं आगे फर्स्ट राउंड में कितना गैप मेरी कार वरना से बनाती है। ओनर अपनी गाड़ी चलाए, कंफर्ट है। सो गाइस मेरा पहला वरना के साथ ड्रैग रेस का पहला राउंड हो रहा है, जो कि मैं नॉर्मल मोड पे एसी ऑन के साथ कर रहा हूँ भाइयों के साथ। एक बार ओम बजा दो भाई, पहला राउंड स्टार्ट करने वाले हैं भाई, और अपनी गाड़ी में तीन बंदे बैठे हुए हैं, ओनर गाड़ी को चलाएंगे और मैं पीछे बैठा हुआ हूँ भाई। तो गाड़ी का एसी ऑन है, मोड कौन सा लगा भाई? नॉर्मल मोड, कंफर्ट मोड। चले स्टार्ट करें, 1 2 3। पहले गई भाई, बाइनोल पे लगा रखा था भाई पहले तो, और ये आप देख सकते हो, ये देखो। तो इसके साथ वो क्रेटा वाला सीन है क्या भाई? 80-70 पे पीछे छोड़ देती है। ये देखो भाई वरना भाई बहुत गैप बना है, ये 3 के जूम पे दिखाई दे रही है, 0.5 पे नहीं दिखाई दे रही है। तो गाइस फर्स्ट राउंड हम जीत रहे हैं क्रेटा से काफी मार्जिन के साथ। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अलावत को मैं मर्सिडीज में भेज रहा हूँ, मैं अकेला रहूंगा वरना में, और वरना आगे खड़ी रहेगी, फिर स्टार्ट करेंगे, ज्यादा आगे नहीं रहेगी, और मोड यही रखना, मोड ही रखेंगे, ट्रैक्शन ऑन रखना। तो मैं चलाता हूँ वरना, और हम भी ड्राइव कर लेंगे। तो हमारा सेकंड राउंड हो रहा है, ड्राइवर चेंज कर रहे हैं, मैं भाई चलाएंगे, और मर्सिडीज में हम बैठेंगे 4 बंदे और वरना अकेली, और जो कि वो आगे से लॉन्च होगी और हम काफ़ी पीछे से, तो देखते हैं भाई हम वरना को दे रहे हैं बेनिफिट, उसको हम कर देंगे आगे। सेकंड राउंड कैसा रहेगा? होगी भाई सबकी। सुन मैं हाथ करूंगा ऐसे बाहर निकाल के शीशे से, ठीक है उसी साइड रखियो तू। ठीक है थोड़ी सी ज्यादा वो मत करिए, देर तो कितनी पकड़ी जा रही है, चल देखते हैं। थोड़ी सी आगे बढ़ा लो, थोड़ी पहली स्टार्ट होगी, प्रथम भाई याद करेंगे जब हम चलेंगे।
हमारे साथ चार लोग आगे हैं। गाइस अब थर्ड रोलिंग रेस फाइनल इसका राउंड कर रहे हैं। तो रोलिंग रेस में अब ये करते हैं, मैं 40 पे बंजा दूंगा, तू 60 पे दियो, मैं निकल रहा हूँ। 5 मिनट रुक जाओ, एक मिनट बस। ओए आप 40 पे, मैं 60 पे। मैं नॉर्मल 40 पे आराम से लेके जाऊंगा, जैसे ही 40 की स्पीड टच हो गई मैं फुल थ्रोटल दे दूंगा। जैसे ही तेरी 60 पे टच हो जाए तो फुल थ्रोटल दे दियो। ठीक है भाई, अपनी वरना जो रहेगी वही 40 पे चले। तो गाइस हम करने जा रहे हैं थर्ड फाइनल राउंड, इसमें हम करेंगे रोलिंग रेस, वरना जो अपनी रहेगी भाई वो 40 पे होगी और ये होगी अपनी 60 पे। 60 और 40 का रोलिंग रेस होगा ना। चलो गाइस हमने वरना को पूरी पूरी एडवांटेज दी है। अरे 60 पे लेके जानी है ना। गाइस तो मेरी 3 ड्रैग रेस हुई हैं वरना के साथ, कोई कंपैरिजन नहीं था दोनों कारों का, पर हम फन के लिए कर रहे थे, जो कि मेरी कार काफ़ी मार्जिन के साथ आगे रही। और नेक्स्ट टाइम देखते हैं कोई मेरी कार के कंपैरिजन की कार अगर कोई आती है तो आपको ज़रूर इससे भी अच्छी वीडियो डालकर दिखाएंगे। धन्यवाद। सो गाइस जैसा कि आप जानते हैं मैं था गुड़गांव सेक्टर 75 प्रथम शौकीन भाई के पास, जहाँ पर हमने कुछ ड्रैग रेसेस की, जो कि कारें मेरी कार के कंपैरिजन की नहीं थी, फिर भी हमने फन के लिए एक एक्सपीरियंस के लिए ऐसा किया। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आया, और आगे भी आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस और ऐसी वीडियोस डालकर मैं आपको एंटरटेन करता रहूँगा। अब जिस टाइम मैं गुड़गांव से निकला हूँ सेक्टर 75 से दिल्ली के लिए, तो इस टाइम यहाँ पर ट्रैफिक इतना होता है, ट्रैफिक का कुछ कहा नहीं जा सकता। सो जो कि मेरा रास्ता 25 मिनट्स का है वो मुझे मैप बता रहा है 42 मिनट्स का, और जो कि मैं एग्जैक्ट नहीं मानता हूँ, इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। और रोड्स की तो आप बात ही मत करिए, इतने बुरे रोड्स मैंने गुड़गांव में इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। तो गाइज निकलते अपने घर की तरफ। गाइज मैं जान पूछ कर क्वार्टर टैंक ही ले गया था ऑयल का, क्योंकि ड्रैग रेस में जितना आपके पास कम ऑयल हो, मतलब जितना ज़रूरत का ही हो सिर्फ, उतना अच्छा है, उतनी आपकी कार हल्की रहेगी और उतना अच्छा परफॉर्म करेगी। पर 2-3 घंटे कार के इतने रिव्यूज़ और ड्रैग रेसों के बाद मेरा टैंक बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, और मैं देख रहा हूँ कोई पेट्रोल पंप जो कि जल्दी से आए और मैं जल्दी से इसको फिल करूँ। और ट्रैफिक इतना लगा है तो मुझे डर भी ज़्यादा लग रहा है, और क्या कहें, गुड़गांव है, किसी भी टाइम कहाँ पर ट्रैफिक लग जाए कुछ नहीं कह सकते।
सो गाइस, आज मेरा फर्स्ट डे है व्लॉगिंग का और मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। प्रथम शौकीन भाई के साथ भी मैं काफ़ी इन्जॉय करके आया, चार चार कार के रिव्यूज़ दिए हैं। इट्स मी अलावत एंड कार फ्यूज़न, काफ़ी व्लॉगर मेरे भाई वहाँ पर थे जिनको मैंने रिव्यूज़ दिए और उनसे मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया और कुछ कॉन्फिडेंस कुछ हद तक आज मेरे अंदर आया है। मैं बहुत कैमरा शाय हूँ और मैं ये चीज़ काफ़ी टाइम से स्टार्ट करने से सोच रहा था, पर बिकॉज ऑफ कैमरा शाय या आप कह लो एक कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं ये कर नहीं पा रहा था, पर आज मैंने स्टार्ट किया है एंड होप आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। और अगर सब अच्छा रहा तो मैं आगे भी आपको ऐसे ही इंटरटेनिंग वीडियोस अपनी लाइफ के बारे में, अपनी गाड़ी के बारे में डालता रहूँगा और आपको इंटरटेन करता रहूँगा। बाकी अभी हम आ गए हैं गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर पर ऑलमोस्ट, और मुझे लगेगा 20 से 25 मिनट अपने घर जाने में। गाइस, अगर मैं थोड़ा और लेट निकलता तो मेरा ट्रैफिक में फंसने का पूरे पूरे चांसेस थे। मैं 12 बजे से वहाँ गया हुआ था और अच्छा है मैं 4:15 वहाँ से निकल गया था और काफ़ी हद तक रोड खाली है। आगे अभी बॉर्डर पर जाके पता लगेगा, दिल्ली में जाके पता लगेगा कि कितना ट्रैफिक है, कैसा हाल है। बाकी अभी तो सब ठीक चल रहा है, काफ़ी हद तक कम गाड़ियाँ हैं। सो गाइस, टाइम हो गया है 5:08 और जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ। दिल्ली घुसते ही मेरे को एक काफ़ी हैवी ट्रैफिक में घुसना पड़ गया है। बाकी मुझे इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा आगे नहीं जाना है, मैं बीच से ही राइट ले लूँगा वसंत कुंज के लिए और थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर क्या कर सकते हैं, इस रोड पे हमेशा इस टाइम पर ट्रैफिक मिलता ही मिलता है। और इस टाइम पे क्या, आप किसी भी टाइम आए आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक इस पे हमेशा ही रहता है। तो गाइस, मैं आ गया हूँ वसंत कुंज और अब अभी टाइम ही ऐसा ट्रैफिक का है, क्या करें, यहाँ पर भी बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है और मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, काफ़ी भूख लगी हुई है। मैं कुछ खा के घर से नहीं निकला था, सिर्फ एक लिए पानी की बोतल पे जिंदा हूँ और देखते हैं कितनी देर में पहुँचा जाएगा। गाइस, हम आ गए हैं अपने घर के पास, आज इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। होप आप लोगों ने मेरे साथ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जो मैंने इन्जॉय किया है वो आपने भी इन्जॉय किया होगा और आप लोग मेरी वीडियो को, मेरे व्लॉग को पसंद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कल मिलते हैं आपसे अगेन।